दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नव हेल्थ। मैं डॉक्टर अनीश। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सीलोड्रम मिक्सी क्रीम को लेकर, जो कि ट्रिपल एक्शन क्रीम है। ट्रिपल एक्शन दोस्तों इसको यहां पर कहना इसलिए सही है क्योंकि ये जो दवा क्रीम है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेडिसिन, यानी कि तीन दवाओं को मिलाकर बनाई गई ओवरऑल स्किन डिसीज के एक इफेक्टिव दवा है, जिसका यूज स्किन यानी कि हमारी त्वचा से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे कि बात करें तो फंगल इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन रेशिस, क्रैकिंग, एलर्जी एस एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं दोस्तों, जहां पर ये जो सीरोड्रम मिक्सी क्रीम है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हुए नज़र लेते हैं इसके कंटेंट्स पर। तो जैसा कि कंपोजिशन के रूप में इसमें जो मौजूद है और हम देख भी सकते हैं, तो इसमें है क्लोट्रिमाजोल जो कि एक एंटीफंगल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बैक्लोमेटासोन जो कि एक स्टेरॉइडी रूपी काम करता है। साथ ही इसमें दोस्तों नियोमाइसिन जो कि एक एमिनोग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो कि स्किन बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और अलावा दोस्तों इसमें हम प्रिजर्वेटिव बेस में मेथाइल पैराविन और प्रोपिल पैराविन जैसे घटकों को भी देख सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए शामिल किए जाते हैं। यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि दोस्तों इसे मार्केट यानी कि बेचने का काम करती है, और ये 10 ग्राम की ट्यूब आपको पड़ती है तकरीबन 60-65 रुपीज़। हालांकि दोस्तों इसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 71.98 रुपीज़, यानी कि दोस्तों 71-72 रुपये के आसपास, जिसे आप डिस्काउंट के तौर पर थोड़ा कम दाम में भी खरीद सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों इसके यूज़ की, कि बेसिकली इस क्रीम का यूज़ स्किन की आखिरकार वो कौन कौन सी समस्या है जहाँ पर इस्तेमाल करें। तो सरल भाषा में बात करें तो दोस्तों दाद हमारी स्किन पर होने वाली एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन समस्या है जिसके होने पर इसके एक से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें काफ़ी खुजली के साथ साथ जलन भी होती है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो सीलोड्रम मिक्सी क्रीम है काफ़ी इफेक्टिव होती है इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए। ये समस्या ज़्यादातर दोस्तों आपको, जैसे कि अगर हम बात करें तो चेहरे, गर्दन के आसपास, कोहनी, छाती, घुटने, ओवरऑल दोस्तों ये समस्या यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपको शरीर के तकरीबन सभी पार्ट्स में देखने को मिल जाती है। इसके बावजूद क्रीम का यूज़ दोस्तों जन नावों के बीच होने वाली एलर्जी युक्त दानों में यानी कि खुजली में, स्किन के फटने पर यानी स्किन क्रैकिंग, स्किन रेडनेस या फिर किसी प्रकार के त्वचा एलर्जी जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरासिस आदि कंडीशंस हैं जहां पर यह क्रीम यूज़ में लाई जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं में वजाइनल पार्ट के आसपास हो जाने वाली खुजली वे फंगल इन्फेक्शंस जैसी कंडीशंस में भी ये जो सीलोड्रम मिक्सी क्रीम है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों सीलोड्रम मिक्सी क्रीम में मौजूद कंटेंट्स एक प्रॉपरली एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के रूप में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और ख़ासकर दोस्तों आप जब भी इस क्रीम को यूज़ में लेते हैं तो पहले इलाज क्षेत्र को यानी कि आप जहाँ पर भी इसे अप्लाई करते हैं उसे डिटॉल या फिर सैवलॉन से अच्छे से क्लीन करें, फिर इसे लगाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से क्रीम का जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। क्रीम का इस्तेमाल आप इन्फेक्टेड एरिया पर दिन में 3-4 मरतबा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सीलोड्रम मिक्सी क्रीम के यूजिंग दौरान अपनी त्वचा पर किसी प्रकार की समस्या, जैसे कि अगर हम बात करें जलन, लालपन या फिर ज़्यादा खुजली की शिकायत महसूस होती है या फिर होती है, तो आप क्रीम का यूज़ तुरंत बंद करें, और आगे इसका यूज़ करें या ना करें इसकी जानकारी अपने पास के फिजिशियन या फिर हमसे कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अलावा दोस्तों इन सब बातों के ध्यान रखें कि क्रीम यूज़ करने के बाद छोटे बच्चे की पहुँच से इस क्रीम को दूर रखें। अक्सर हम देखते हैं कि कई बार छोटे बच्चे द्वारा क्रीम या फिर किसी अन्य दवाइयों के निकल जाने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए खासतौर पर दोस्तों हो सके तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो आई होप कि दोस्तों आपको सीलोड्रम मिक्सी क्रीम से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के माध्यम से। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों हमारी ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।